सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग BN एडिटर ऐप, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था आप लोगों से और आप लोगों ने बोला था कि भाई हाँ आपको BN एडिटर की ये वीडियो चाहिए। सो हियर इट इज़, मैं आपको दो अप्रोच बताने वाला हूँ, एक थोड़ी सिंपल अप्रोच है और एक थोड़ी सी एडवांस्ड है। अब BN एडिटर ऐप में उतना ज़्यादा कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं है, बट जितना अवेलेबल है उसको यूज़ करके मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप एक बिगनर हो, आपको कलर ग्रेडिंग की जीरो नॉलेज है, ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। तो इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, एक चीज मैं आप बोलना चाहूंगा, देखो कलर ग्रेडिंग होता क्या है ये समझ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, कलर्स को जब हम ग्रेड करते हैं ना हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन्स में, तो उसको हम कलर ग्रेडिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने BN एडिटर ऐप को ओपन कर लिया है और मेरे पास यहाँ कुछ क्लिप्स है, मैं ये वाली क्लिप यूज करने वाला हूँ। तो पहले इसको एक बार बिना कलर ग्रेडिंग के प्लेबैक करके देखते हैं। अब वैसे तो ये मैंने Canon R5 में शूट किया है, बट कलर्स अभी इसमें प्रोसेस नहीं हुए हैं। तो पहली अप्रोच क्या है, आपको बॉटम लेफ्ट में यहाँ पे एक ये फिल्टर्स का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ जैसे ही आप जाओगे ना, आपको ये एक लाइन ऑफ फिल्टर्स दिखेंगे, प्रीसेट्स हैं बेसिकली है। अब यहाँ पे ना बेसिकली आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। अब डरना मत, ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ ये iPad से है, बट आप सेम चीज़ मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, सेम चीज़ आएगी। तो अब यहाँ पे जो नीचे आपको ये लिस्ट दिख रही है ना, T1, T2, T&O3, ये सब जो नाम है ये बेसिकली कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रैवल पे। अब ट्रैवल में यहाँ मुझे 6 फिल्टर्स मिलते हैं, तो देखो एक एक करके अगर मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो कितना सही इफेक्ट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई होके मिल रहा है। उसके बाद टील एंड ऑरेंज, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, तो टील एंड ऑरेंज के भी यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट अभी जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था ना, मुझे ये वाला लगा SC4, विच इज़ Scenery 4। तो इस तरीके के बहुत ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, जैसे ही आप किसी भी प्रीसेट पे चूज़ करोगे ना, जैसे मान लेते हैं मैंने SC2 को चूज़ करा या SC3 को चूज़ करा, मैं इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता हूँ। अभी नीचे जो आपको इंटेंसिटी दिख रहा है ना, जो बाई डिफ़ॉल्ट 100 पे है, इसको आप इस तरीके से टच करके अपनी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं मैं SC7 वाला इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे लग रहा है कॉन्ट्रास्ट हल्का सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अराउंड इसको 70% के आसपास रख लूँगा, ताकि मेरा जो इफेक्ट है वो अच्छा भी लगे और ज़्यादा ओवर ना लगे। और इसी तरीके से नीचे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने हिसाब से जो भी आपको कलर अप्रोच देना आप दे सकते हो। कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा, जैसे देखो यहाँ कूल भी है, वॉर्म भी है। तो आपको ना वीडियो एडिट जब आप कर रहे हो, जब कलर ग्रेड कर रहे हो, उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि भाई आपको अप्रोच क्या रखनी है। अगर आपको हल्की सी वार्म अप्रोच देनी है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से किस टाइप के फिल्टर्स या प्रीसेट यूज करने हैं। अगर आपको है कि भाई आपको कूल अप्रोच चाहिए, तो आप उस तरीके के ब्लूइश या ग्रीनिश कलर ले सकते हो। ये अप्रोच अगर आपके माइंड में पहले से क्लियर होगा ना, तो आप ये जो प्रोसेस है जहां प्रीसेट चूज कर रहे हो वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। उसके लिए हम इधर ही इसी ऑप्शन पे रहेंगे और फिल्टर्स में जाके आपको एडजस्ट पे क्लिक करना। अब एडजस्ट में आप जैसे जाओगे ना, आपको ये एडजस्टमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब कलर ग्रेडिंग के लिए ये समझना जरूरी है, हमें 4 मेन इफेक्ट्स चाहिए, जो कि है सैचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर और HSL। ठीक है, सैचुरेशन वाइब्रेंस बेसिकली आप इस तरीके से देखो, मैं बढ़ा दूंगा तो हर एक कलर बूस्ट हो जाएगा, लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो सैचुरेशन से आप ऑल ओवर जो आपकी सीन के कलर्स है ना, उसको कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आते हैं वाइब्रेंस पे, तो वाइब्रेंस सैचुरेशन से थोड़ा सा अलग है। वाइब्रेंस क्या करेगा, आपके जो डल कलर्स है ना, जो दबे हुए कलर्स हैं, उसको थोड़ा सा उठाएगा। तो ये देखो, वाइब्रेंस में जैसे बढ़ाऊंगा तो आपके कलर्स में ना थोड़ी लाइफ आएगी, जो दबे हुए कलर्स हैं वो भी ज़्यादा सैचुरेट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा अप्रोच है जो आप यूज़ कर सकते हो। बट अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो कि है टेम्परेचर और उससे एंड सबसे इंपॉर्टेंट HSL, जो मैं टेम्परेचर की बात बताऊंगा। अब टेम्परेचर में क्या होता है, देखो लेफ्ट में मैं अगर लेके जाऊंगा ना अपने स्क्रोल को, तो आपकी जो वीडियो है ना वो कूल टोन्स में जाएगी, मतलब ब्लूइश टोन में। वही अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो आपको वार्म टोन मिल जाएगा। अब जिस लोकेशन पे मैं हूँ, जहाँ ब्रिक्स भी इस तरीके से हैं, पीछे से सनलाइट आ रहा है, तो वार्म टोन थोड़ा ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। अगर मैं यही कूल टोन कर दूंगा, अगर ये अर्ली मॉर्निंग का सीन होता ना, कूल टोन बहुत बढ़िया लगता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं इस सीन में मैं हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। अब आते हैं HSL, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, जो आपको यहाँ टूल्स में लिखा हुआ दिख जाएगा।
अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। तो जब आप HSL पे जाओगे ना, आपको यहाँ पे कलर्स के सर्कल बने हुए दिखेंगे और ये कलर्स से ही आपको पता लग जाएगा कि भाई आपको किस कलर को चेंज करना है। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ऑरेंज कलर जो वॉल्स पे हैं आसपास लाइट है। अब हर एक कलर की ना आप तीन चीज़ें चेंज कर सकते हो, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू का मतलब क्या है, आपको ये लाइन में ही दिख जाएगा। देखो अगर मैं ऑरेंज को लेफ्ट लेके जाऊंगा तो हल्का पिंकिश टोन में ला सकता हूँ, और राइट लेके जाऊंगा तो उसको थोड़ा ग्रीनिश येलो की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस फ्रेम में हूँ जहाँ ग्रीन्स भी हैं ब्लूज़ भी हैं, तो मान लेते हैं मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ जो नीचे घास में है। अब अगर आप कलर के लिए शोर नहीं हो ना, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो ये चीज़ आपको शायद इंटरनेट पर देखने को ना मिले। तो मान लेते हैं मुझे लग रहा है घास में ग्रीन है जो कि एक्चुअली नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्यों। देखो मैं ग्रीन का सैचुरेशन एकदम लेफ्ट ले जाऊँगा ना, सिर्फ कुछ कुछ पार्ट घास का ही डीसैचुरेट हुआ है, बाकी नहीं हुआ। क्यों? उसका रीज़न ये है बिकॉज घास में बहुत येलो कलर है। मैं दिखाता हूं, देखो येलो का सैचुरेशन में लेफ्ट में ले जाऊंगा ना, आप देख रहे हो घास का कलर एकदम डीसैचुरेट हो गया। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो भाई कहां पे कौन सा कलर ज्यादा है। तो अब मैं आपको येलो का पहले ह्यू चेंज करके दिखाता हूं। देखो घास को मैं ऐसा कलर भी दे सकता हूं और राइट में ले जाकर उसको और ज्यादा ग्रीनिश लुक भी दे सकता हूं। तो मान लेते हैं मुझे हल्का सा ऐसा इफेक्ट चाहिए, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे और लाइटनेस मतलब ब्राइटनेस, आपको उस कलर को डार्क करना या ब्राइट, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसी तरीके से मान लेते हैं मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ जो कि स्काई में बहुत ज़्यादा है। अब देखो स्काई का कलर भी आप ग्रीन से लेकर राइट में ले जाके उसको हल्का मेजेंटा टाइप भी बना सकते हो। तो मान लेते हैं इस लुक के हिसाब से मैं हल्का मेजेंटा दे देता हूँ, सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, लाइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। तो ये है HSL जहां आप किसी भी कलर को उसका ह्यू, उसका सैचुरेशन और उसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं और मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूं। तो यहां अगर मैं आपको दिखाऊं जो पहले मेरा ये वीडियो था बहुत सिंपल सा था, और कुछ कलर ग्रेडिंग और HSL करने के बाद कुछ इस तरीके का आउटपुट मुझे मिल गया। तो कलर ग्रेडिंग HSL में अभी आप दो अप्रोच से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, या तो आप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो या एडजस्ट में जाके आप सैचुरेशन, वाइब्रेंस, टेम्परेचर और सबसे इंपॉर्टेंट HSL टूल को यूज़ करके अपनी वीडियोज़ में इस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है आपकी बहुत अच्छी फुटेज में अच्छे कलर्स निकाल के उसको ग्रेट करके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा वायरल या ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हो, या अपने काम को बहुत अच्छा बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ कलर्स। आपको अगर कोई और अप्रोच पता है या कोई और रिक्वेस्ट है कि भाई नेक्स्ट VN एडिटर में मैं किस तरीके के ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ, कमेंट कर देना, आई एम श्योर मैं वो लेके आ जाऊँगा अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स क्रॉस हो जाते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।